आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर और मैं हूं आपके साथ गुलशन सैफी। दिल्ली से खबर फिलहाल, जहां निर्माता निर्देशक दीपक कुमार अबुआ ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद से मुलाकात की और इस शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने अपने समाज को लेकर सघन चर्चा की। साथ ही पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य क्या होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज को कैसे मिले, इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस मुलाकात को सार्थक बताया। आपको बता दें कि दीपक कुमार अबुआ किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि वह बॉलीवुड के लिए डाकू सुल्ताना जैसी बड़े पर्दे की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। साथ में वह ढेरों शॉर्ट मूवी, म्यूजिक एल्बम बना चुके हैं जो अक्सर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है। इस मुलाकात के बाद मंत्री राजकुमार आनंद ने भी खुशी जाहिर की कि समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज का चिंतन करते हैं। आइए देखिए खास खबर, ये आखिर पूरा मामला है क्या। बॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशक दीपक कुमार अबुआ ने दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री व दिल्ली विधानसभा में पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मंत्री राजकुमार आनंद से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कई अहम पहलुओं पर बात की। आपको बता दें कि इस शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने मंत्री राजकुमार आनंद को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया और भला शिक्षा का महत्व मंत्री राजकुमार आनंद से अच्छा कौन समझता होगा, क्योंकि राजकुमार आनंद का जीवन भी संघर्ष भरा रहा है। शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के चलते पढ़ाई के दौरान काम करना पड़ा और उन्होंने पढ़ाई के महत्व को समझते हुए पढ़ाई की। पहले काम किया, बाद में ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने एमए की पढ़ाई करी। धुन के पक्के राजकुमार आनंद ने अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दरकिनार करके खुद को स्थापित करके समाज को एक उदाहरण दिया है कि जहां चाह होती है वहां राह स्वयं बन जाती है। और आज भी दिल्ली सरकार में अनेक मंत्रालय उनके पास हैं, जो इस बात की वानगी और पुष्टि करता है कि राजकुमार आनंद में योग्यता की कोई कमी नहीं है। सनद रहे कि निर्माता निर्देशक दीपक कुमार अबुआ पहले भी दिल्ली सरकार में मंत्रियों से मुलाकात करते रहे हैं और उसी वानगी में ये एक और शिष्टाचार मुलाकात है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने समाज में शिक्षा और उन्नति को लेकर चर्चा की। साथ ही पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य कैसे तय किया जाए, इसको लेकर बात की। आपको बता दें कि दीपक कुमार अबुआ अक्सर समाज में संदेश देने वाली शॉर्ट मूवी बनाते हैं और किस प्रकार समाज के लोग उन्नति करें और मुख्यधारा में आए, इसके लिए अक्सर चिंतन करते हैं। दिल्ली सहित पूरे भारतवर्ष में समाज से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। फिल्मी दुनिया के लिए अब दीपक कुमार अबुआ निर्माता निर्देशक के तौर पर कोई अनजाना नाम नहीं है, क्योंकि उनके ढेरों गीत हिट हो चुके हैं। वह म्यूजिक एल्बम, धार्मिक गीत और शॉर्ट मूवी के जरिए काफी नाम कमा चुके हैं। यही वजह है कि देश भर के कई राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं और बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के साथ वो फिल्मी पर्दे के लिए डाकू सुल्ताना का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें वह डाकू सुल्ताना के जरिए यह बताने की कोशिश करेंगे कि उनके समाज ने इतिहास में कितने हीरो दिए हैं। इस मुलाकात के दौरान पवन कुमार नीम, जो कि संगठन मंत्री हैं जिला तिलक नगर से, वह भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद निर्माता निर्देशक दीपक कुमार अबुआ और मंत्री राजकुमार आनंद दोनों ने ही सामूहिक रूप से खुशी जाहिर की और इस मौके पर देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस का अवसर देखते हुए मंत्री महोदय ने देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं राजकुमार आनंद, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार। मेरी तथा दिल्ली सरकार की ओर से पूरे देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सबको आजादी का ये जश्न मुबारक हो। निर्माता निर्देशक दीपक कुमार अबुआ और मंत्री राजकुमार आनंद की मुलाकात के कई मायने हैं।
निश्चित रूप से यह समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। आपको बता दें कि राजकुमार आनंद के पास फिलहाल दिल्ली सरकार के कई मंत्रालय हैं और दिल्ली के लोकप्रिय विधायकों में से एक माने जाते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ फोल्डर के साथ, होगी फिर मुलाकात, देखते रहिए न्यूज़ फोल्डर। नमस्कार।